चंदौली से खबर है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। सीएम आरोग्य योजना आज से लागू हो गई, सभी के स्वास्थ्य के लिए ये योजना है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा सुधारी है। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच होगी, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिलेगा। सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार है क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रशिक्षित डॉक्टर्स होंगे तैनात। 56 लाख लोग इस योजना में शामिल हुए। हर रविवार 10 से 2 ये सुविधा मिलेगी। सीएम आरोग्य योजना से सभी को उपचार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग को इस योजना के लिए बधाई। सीएम ने कार्यक्रम में 5 लोगों को दिया आयुष्मान गोल्ड कार्ड। चंदौली में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन। इस आरोग्य मेले का उद्देश्य ही है कि स्वास्थ्य संबंधी केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति की आरोग्यता के लिए बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से आज हम सब मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्रारंभ कर रहे हैं। एक साथ प्रदेश के अंदर 4200 से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी जगह चिकित्सकों की योग्य टीम, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के, चिकित्सा शिक्षा विभाग के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए अन्य संगठनों का योगदान इस पूरी योजना में लिया जा रहा है। नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग बनाया गया है। आज यहां पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन स्वास्थ्य मेलों की शुभारंभ करने के उद्देश्य से आयोजित जो एक कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से आयोजित हो रहे आरोग्य मेला में जो भी यहाँ के उपस्थित नागरिकगण हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, इन सब का इस आरोग्य मेला में मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वास्तव में हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है और शासन का यह दायित्व तो बनता है कि वह उस प्रकार की सुविधा उन लोगों तक पहुंचाए। सुविधा का अभाव नहीं है, केंद्र और प्रदेश सरकार की पहले से ही ऐसी योजनाएं हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंच सके। इस आरोग्य देखिए, मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का सीएम योगी ने शुभारंभ किया और लोगों को इन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए अब स्वस्थ रहने के लिए उनके चेकअप अभियान चलाए जाएंगे। सभी को स्वास्थ्य के लिए ये योजना है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा सुधारी है, सीएम योगी ने इस दौरान कहा। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी इस प्रयास से। देवखत के महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान भी जाएंगे सीएम योगी। महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान में कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12:05 से 1:05 तक संस्थान में ही रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 1:15 पर वाराणसी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वाराणसी से दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। विवेक पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं।
विवेक, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि संपर्क फिलहाल टूट चुका है। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, 1:15 बजे वाराणसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, वाराणसी से दिल्ली जाएंगे क्योंकि लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी। महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होंगे, प्रतिमा का अनावरण करेंगे और फिर उसके बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर रवाना हो जाएंगे 1:15 बजे और फिर वहां से दिल्ली पहुंचेंगे। तो देखिए चंदौली में सीएम योगी पहले आरोग्य मेले का शुभारंभ किया और उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, 1:15 बजे वाराणसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, वहां से दिल्ली पहुंचेंगे, वाराणसी जाएंगे दिल्ली सीएम योगी। देवघाट के महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान जाएंगे सीएम योगी, और देखिए जन आरोग्य मेले का उद्घाटन करने के बाद में सीएम योगी मीडिया से भी मुखातिब हुए, जरा सुनिए क्या कुछ कहा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए और खास तौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा होती है कि आरोग्यता सबके नाम की दृष्टि से एक बृहद स्वास्थ्य जागरूकता के अभियान को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के क्रम में प्रारंभ किया है। एक साथ प्रदेश के अंदर 4200 केंद्रों पर हम लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आरोग्यता मेला प्रदेश के अंदर 4200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक साथ शुभारंभ हुआ है। हर सप्ताह पूर्वाहन 10 बजे से लेकर के अपराहन 2 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की एक टीम, चिकित्सा शिक्षा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य चिकित्सीय संगठनों की मदद से प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के आवश्यक परामर्श के साथ साथ वहां पर हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जांच करने और दवा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम करेगा। स्वास्थ्य के प्रति जन आरोग्य एक विभिन्न जागरूकता के कार्यक्रम के साथ भी जुड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं के भी अभियान का हिस्सा बनेगा। खासतौर पर आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं, इन स्वास्थ्य की दृष्टि से आरोग्य मेलों में ये गोल्डन कार्ड भी बनाए जाएंगे। टीबी उन्मूलन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक पूरे देश को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हमारा प्रयास है 2025 तक उत्तर प्रदेश में भी ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट न हो। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने इसको अपने हाथ में लिया है। इसके साथ ही कुष्ठ जैसी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए और उससे आरोग्यता प्रदान करने के लिए भी एक बृहद अभियान को इसका हिस्सा बनाया है। हर प्रकार की बीमारी के उपचार के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का एक कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह आगामी 2 वर्ष के लिए इस कार्यक्रम को पहले चरण में हम लोगों ने लिया है। इस दौरान इसकी निरंतर समीक्षा होगी।